गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम लिंग के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? लिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लिंग की परिभाषा पढ़ी सबसे पहले। बाद में उसके दो प्रकार पढ़े। कौन कौन से प्रकार पढ़े? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ओके। पुल्लिंग कौन से होते हैं? पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग कौन से होते हैं? जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, ओके। आज हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण के कुछ उदाहरण। क्या पढ़ेंगे? लिंग निर्धारण के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, ओके। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पुल्लिंग शब्द। क्या पढ़ते हैं? पुल्लिंग शब्द। तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अनाजों के नाम। किसके पढ़ेंगे? अनाजों के नाम, जो अनाज होते हैं उसके नाम, ऐसे नाम जो पुल्लिंग शब्द में आते हैं। गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि आदि अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, चंदन, साल, सागौन, देवदार आदि वृक्षों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम, हिमालय, अरावली, माउंट आबू, नीलगिरी, विंध्याचल आदि पुल्लिंग होते हैं। विभिन्न धातु एवं रत्न, सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, हीरा, पन्ना आदि पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थ, दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत आदि पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। ग्रह एवं महीनों के नाम, सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, चेत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ग्वार, आश्विन, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फाल्गुन आदि पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं, ओके। इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्द। क्या पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग शब्द। तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। प्रथम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, अश्विनी, रोहिणी, भरिणी, मृगशिरा आदि। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नदियों व झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, रावी, ताप्ती, नर्मदा, सतलज, व्यास, तिनाव, झेलम, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, चंबल, सांबर झील, पुष्कर झील आदि। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। अपवाद, सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंध नद अतः पुल्लिंग है। ये क्या है? पुल्लिंग है। भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, हिब्रू, राजस्थानी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम,
मैथिली, भोजपुरी, मगही, गुजराती, आउती, ब्रिज, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, बंगला, उड़िया, उर्दू, अरबी, फारसी आदि। ये क्या है? भाषा है। ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ओके, तो हमने क्या पढ़ा है? हमने लिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के बारे में। ओके, तो आपको भी क्या करना है? पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है, लिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विशुद्धि का पुल्लिंग है। विशुद्धि का पुल्लिंग क्या होता है? विद्वान। क्या होता है? विद्वान। तो इसमें क्या आएगा? विद्वान। लड़का में लिंग है, बताओ लड़का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है? लड़का क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कृष्णा में लिंग है, कृष्णा में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग के भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम प्राय होते हैं। तिथियों के नाम अभी हमने पढ़ा है, किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में। पढ़ा ना अभी हमने, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नेक्स्ट में क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट क्या है? संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? वृक्षों के नाम सदैव होते हैं। वृक्षों के नाम किसमें होते हैं? पुल्लिंग में। किसमें होते हैं? पुल्लिंग में। पर्वतों के नाम सदैव होते हैं पुल्लिंग में। पर्वतों के नाम पुल्लिंग। शेर का स्त्रीलिंग होगा। शेर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? शेर का शेरनी। शेर का क्या होगा? शेरनी। भाषाओं के नाम प्राय होते हैं स्त्रीलिंग। भाषाओं के नाम किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है? इन क्वेश्चन आंसर को आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्तंभ क का स्तंभ ख से उचित मिलान कीजिए। क्या करना है? क का स्तंभ को ख के स्तंभ से मिलाना है। तो चूहा, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? चूहिया। ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। ठाकुर, ठाकुरानी। सेठ, सॉरी जेठ, जेठानी। ओके, नेक्स्ट क्या है? लघुरात्मक एवं निबंधात्मक प्रश्न, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। आपको इन क्वेश्चनों को क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको लर्न करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के सामने उनके स्त्रीलिंग लिखिए। तो शिष्य, शिष्य के स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? शिष्या। पिता, पिता का स्त्रीलिंग क्या होता है? माता। नर, नर का क्या होता है? नारी। पाठक, पाठक का स्त्रीलिंग क्या होता है? पाठिका। अध्यापक, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है? अध्यापिका। ओके, तो आपको अपने नोटबुक के अंदर क्या करना है? क्या करना है? इनके सामने इनके स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं? इनके सामने इनके स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
निम्न स्त्रीलिंग शब्दों के सामने उनके पुल्लिंग शब्द लिखिए। क्या करने हैं? स्त्रीलिंग शब्दों के सामने पुल्लिंग लिखने हैं। सबला, निरीक्षण, नानी। सबला, निरीक्षण, नानी, याचक, सम्राज्ञी, भाग्यशाली, सास, श्री, लेखिका, रूपवान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिंग की परिभाषा दीजिए। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिंग के भेद बताइए। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला कौन सा है? पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे लिखे वाक्यों में मोटे छप्पे शब्दों के लिंग बताइए। मछली जल में रहती है तो मछली में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। मुर्गियां अंडे देती है तो मुर्गियां क्या है? स्त्रीलिंग। कछुआ चल रहा है तो कछुआ क्या है? पुल्लिंग। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है तो हिमालय क्या है? पुल्लिंग। चंबल कोटा के पास बहती है तो चंबल क्या है? स्त्रीलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नदियों और झीलों के नाम प्राय किस लिंग में लिखे जाते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। नदियों और झीलों के नाम कौन से लिंग में होते हैं? स्त्रीलिंग में। गंभीर, बाणगंगा, रूपारेल, डल झील, नक्की झील, सांबर झील, पिछोला झील, लुन्नी, पार्वती आदि, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। पर्वतों के नाम किस लिंग में होते हैं? पर्वतों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। उदाहरण काला, अरावली, माडोली, रसिया, आबू, हिमालय, आल्पस आदि। नेक्स्ट क्या है? ग्रह के नाम किस लिंग में होते हैं? ग्रह के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सूर्य, बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा, राहु, केतु, शुक्र, शनि आदि। अभी आज हमने पढ़ा है ना, ग्रह के नाम पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में। वृक्षों के नाम सदैव किस लिंग में लिखे जाते हैं? वृक्षों के नाम सदैव पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। वृक्षों के नाम किस में लिखे जाते हैं? पुल्लिंग में, जैसे आम, केला, अमरूद, आंवला, पीपल, बरगद आदि। ये क्या है? वृक्षों के नाम किस में लिखे जाते हैं? पुल्लिंग में। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने लिंग के बारे में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण पढ़े और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़े। तो आज आपको क्या करना है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण को अच्छे से पढ़ना है और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। ओके, और इन क्वेश्चन आंसर को, इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर को साथ में क्या करना है? लर्न करना है। क्या करना है? लर्न करना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।